वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट EVS। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 7 को स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस चैप्टर का जो नेम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इट मींस कि जो पौधे होते हैं उनके भागों को जानना, ठीक है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। और इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होंगे पौधों के, उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ट्री। तो पहले तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ट्री, हर्ब्स, बुशेस, ग्रास, वाइन, फर्न, मॉसेस एंड ग्रीन एल्गीज। सो कहने का मतलब ये है कि इनमें जीवन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवित प्राणी या जीव जंतु। तो ठीक है, तो कौन कौन? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वे जीव जंतु की तरह जीवित प्राणी होते हैं। जैसे कि जो ट्रीज हैं, हर्ब्स मीन्स जड़ी, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, ग्रासेस मीन्स घास, वाइन्स मीन्स लता या बेल, फर्न काई और शैवाल ग्रीन एल्गी, जिनको हम शैवाल बोलते हैं जो काई जमती है। तो ये सब क्या है? एक जीवित प्राणियों की तरह है, इनमें जीवन होता है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड मटेरियल वुड्स एंड आल्सो कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। वे क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अस विथ फूड मटेरियल। तो ये जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, घास हैं, लताएं हैं, ठीक है, ये हमें क्या करती है? फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, मीन्स भोजन के जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, उनको हमें उपलब्ध कराती है। लकड़ियां, वुड्स, और क्या करते हैं? इनका जो कार्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? लाइफ गिवन ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को हम प्राणवायु बोलते हैं, मींस हर किसी व्यक्ति को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे वो जीवित होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। कौन? ये जितने भी तरह के प्लांट्स हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स सच एस, और ये प्लांट्स कैसे होते हैं? ये कुछ पार्ट से मिलकर के बने होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। और वे पार्ट कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि रूट, जड़ें, तने, पत्तियां, कलियां, फूल और फल, ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब इसको लेबल करना है हमें। लेबल, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, लुक एट द पिक्चर, लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पर हमें उनके लेबल्स करना है। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत होती है जड़ों से। हर प्लांट की एक जड़ होती है जो सॉइल के भीतर होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रूट्स बोलते हैं। रूट्स मीन्स जड़ें, ठीक है। देन उसके बाद में आता है स्टेम, मीन्स तना। प्लांट्स का जो तना होता है ये स्टेम कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आती है पत्तियां, मीन्स लीव्स, ये हो गई पत्तियां, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बर्ड्स एंड फ्लावर्स आते हैं, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स हो गई, ठीक है। और फिर जो लास्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? फ्रूट्स। तो ये सब एक्टिविटी को आपको अपने बुक में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर से एक बार, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर ये बना है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट। तो आइए अब हम इनके अलग अलग पार्ट को डिस्कस करते हैं। रूट फर्स्ट मीन्स जड़ें, ठीक है। रूट इज अ पोर्शन ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड। तो रूट मीन्स जो जड़ होती है वे प्लांट का ऐसा पोर्शन है, मीन्स भाग, ऐसा भाग है
पौधों का ऐसा भाग है जो क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर बढ़ता है। ग्रो अंडर द ग्राउंड, बढ़ना, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। कहाँ पर? अंडर द ग्राउंड, तो ज़मीन के अंदर, भीतर, मिट्टी के भीतर ये बढ़ती है, क्या? जड़ें। हैंस वी कैन नॉट सी इट, सामान्य तौर पे हम इसे नहीं देख सकते हैं। द प्लांट ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द रूट, और जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो जड़ों से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑरिजिनेटेड मीन्स उत्पन्न होना, पैदा होना, तो ये पहले जड़ें उसकी पनपती है और उसके बाद में पौधा ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। यूज़ ऑफ रूट, अब देखते हैं कि जड़ों के क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग है। रूट एंकर द प्लांट इन द सॉइल, अब रूट जो जड़ें क्या होती हैं, हम देखते हैं कि जड़ें ऐसे ऐसे फैले होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये सॉइल के अंदर मीन्स मिट्टी के अंदर लंगर की तरह बंधी हुई होती है, जिससे कि जो पौधा होता है, जो प्लांट्स होता है, वो सीधा खड़ा होता है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स क्या करती है, एब्जॉर्ब मीन्स सोखता है, ज़मीन से पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ और सॉल्ट मीन्स नमक, जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों के लिए, उनको वो एब्जॉर्ब करता है और पत्तियों तक, तनों तक, पूरे पौधों में पहुंचाता है। ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क हैं रूट के, ठीक है। अब यहाँ पर जड़ों के कुछ टाइप्स दिए हैं हम, एक तरह के वेजिटेबल्स भी हैं ये रूट्स, लेकिन ये जड़ का हिस्सा है, जैसे रेडिस मीन्स मूली, कैरेट और स्वीट पोटैटो, ये सभी ज़मीन के अंदर होने वाले क्या हैं, खाद्य पदार्थ हैं, भोज पदार्थ, जिन्हें हम खाते हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़मीन के अंदर होते हैं, तो ये जड़ वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। ये एक प्रकार की जड़ें हैं, इन्हें फ्रूट नहीं कह सकते। रूट में स्टोर फूड, रूट्स क्या करती है, वो फूड मीन्स भोजन को स्टोर करती है, ठीक है। रूट फ्रॉम अ पैसेज वे ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट इंटू द स्टेम एंड आल्सो फॉर फूड फ्रॉम द स्टेम डाउन इंटू द रूट। अब क्या होता है कि जो रूट है, जो जड़ों हैं, जड़ों से होकर ही पानी और पोषक तत्व ऊपर की ओर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो जड़ें हैं, अब पानी में हम डिफरेंट टाइप के पोषक तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उन सभी को जड़ें सोखती है, ठीक है। और ये जड़ों के माध्यम से धीरे धीरे ये पौधों के ऊपर तक के लेकर जाती, जितने भी जो घुलने वाले भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, या पोषक तत्व होते हैं, उनको रूट सोखती है, फिर उन्हें तनों तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है, फूलों तक पहुंचाती है और फलों तक के पहुंचाती है। ये काम होता है जड़ों का, मीन्स रूट का। रूट्स आर टू टाइप्स, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है टैप रूट। टैप रूट, सम प्लांट हैव प्राइमरी रूट दैट ग्रो लॉन्गर एंड थिकर दैन द सेकेंडरी रूट। अब इसमें क्या है कि कुछ जो पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, उनमें प्राइमरी रूट क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, और बहुत मोटी होती है। जो सेकेंडरी रूट होती है, उससे ही बहुत ज़्यादा मोटी और जल्दी बढ़ती है। दिस लार्ज प्राइमरी रूट इज कॉल्ड टैप रूट, और इस प्रकार की जो रूट होती है या जड़ें होती है, उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। दिस रूट मेक अ प्लांट हार्ड टू पुल फ्रॉम द ग्राउंड, और ऐसी जो मोटी जड़ें होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो रूट मेक प्लांट हार्ड टू पुल फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसी जो जड़ें होती है, वो प्लांट को हार्डली पकड़े रखती है, जिससे कि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ऊपर की ओर धकेलती है। दिस रूट कैन आल्सो रीच फॉर अंडरग्राउंड टू रीच वाटर, और यही रूट क्या करती है, ये रूट नीचे तक के बढ़ती है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको भी सहेजने का काम करती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट आर डेंडलाइंस, रेडिस, बीट एंड कैरेट, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है डेंडलाइंस मीन्स सिंह पर्णी, रेडिस मीन्स मूली, बीट मीन्स आपका चुकंदर हो गया और कैरेट मीन्स आपका गाजर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है फाइबर्स रूट। फाइबर्स मीन्स होता है रेशा, ठीक है, रेशेदार रूट, जो घासी घास वाली और छोटे छोटे जो रेशेदार जड़ें होती हैं, उन्हें हम फाइबर रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फाइबर रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, तो जो फाइबर रूट्स होती है,
वे क्या करती हैं, ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो तने का लास्ट सिरा होता है वहाँ से वो बढ़ती जाती है, बढ़ना शुरू होती है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ वेरी फाइन रूट ऑल टुगेदर। और वे क्या कैसी होती हैं, वे एक बंच की तरह होती है, गुच्छेदार बंच में, गट्ठे में बंधी होती है, ठीक है, और एक साथ ये लगी रहती है। जैसे कि एग्जांपल हो गए ग्रास, वीट, राइस हैव फाइबर रूट्स। अब एग्जांपल हो गए घास, आपकी गेहूं की फसल और चावल की फसल जो धान बोलते हैं, इनकी जो जड़ें होती कैसी होती है, वो फाइबर्स वाली होती है, रेशेदार होती है, इसलिए इसे फाइबर रूट्स कहते हैं। अब आते हैं शूट। शूट का मीनिंग्स होता है टहनी, ठीक है, जो टहनी होती पेड़ों की वो शूट कहलाती है। शूट इज़ अ पर्शन पोर्शन ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबाउ द सॉइल। शूट, सो ये जो शूट है वो कैसे ग्रो होती है, वो मिट्टी के ऊपर की ओर ग्रो होती है, मिट्टी के ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेम। और जो शूट का जो मेन पार्ट है, ठीक है, जो शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम मीन्स तना, ठीक है, जो पौधों का तना होता है वो शूट सिस्टम का पार्ट होता है। इट बियर अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच बियर लीव फ्लावर एंड फ्रूट। और क्या करती हैं, ये जो स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम से जुड़ी हुई आपकी शूट्स होती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। हम देखते हैं कि पौधों की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग शाखाएं दिख रही है, ठीक है, पेड़ों में भी होती हैं, तो वैसे ही इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, और इन शाखाओं में मीन्स इन ब्रांचों में क्या होती है, फिर पत्तियाँ लगती हैं, उससे में फिर फूल लगते हैं, और लास्ट में क्या, फल लगते हैं। तो ये शूट सिस्टम कहलाता है। स्टेम, स्टेम मीन्स तना। द स्टेम इज पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट सपोर्ट द प्लांट अबाउट सॉइल। तो जो तना होता है, स्टेम होता है, इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये पौधों का एक भाग होता है, क्या करता है, दैट सपोर्ट द प्लांट अबाउट सॉइल, जो क्या करता है कि ये सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है भूमि के ऊपर में, ठीक है। भूमि के नीचे मीन्स जमीन के नीचे तो होती है आपकी जड़ मीन्स रूट, और उसके ऊपर आपका होता है स्टेम, ठीक है, तो ये प्लांट को सपोर्ट करता है। द स्टेम सपोर्ट द ब्रांचेस, स्टेम किसको सपोर्ट करती है, प्लस अलग अलग जो शाखाएं होती है, क्योंकि स्टेम जो मुख्य तना होता है पेड़ का, मेन हिस्सा या पौधों का, उसी से अलग अलग ब्रांचेस या शाखाएं निकलती है, ठीक है, तो वो सपोर्ट करता है, उसी से जुड़ी शाखाएं होती है, उसी में फिर पत्तियां एंड फ्लावर्स भी लगते हैं। सपोर्ट ब्रांच लीव एंड फ्लावर इन द मोस्ट, इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फिर फूल खिलते हैं। अलॉन्ग द साइड ऑफ द स्टेम द लीव ग्रो, अलॉन्ग द साइड ऑफ द स्टेम द लीव्स ग्रो। अब जो स्टेम होती है जड़, उनसे फिर जुड़ी आपकी शूट्स होती है, शूट सिस्टम, उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है, और इन ब्रांचेस में फिर क्या होते हैं, जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो एक एक करके बढ़ने लगती है। अ थिक एंड वुडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक ऑफ द प्लांट। अब जो थिक मीन्स होता है बहुत मोटा, बड़ा, ठीक है, या चौड़ा, तो थिक मीन्स जो मोटा और मोटाई में बड़ा होता है, ठीक है, तो ऐसा स्टेम जो मोटा हो एंड वुडी सिस्टम मीन्स बड़ी लकड़ी वाला हिस्सा हो, तो जिससे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जो बड़े पेड़ वाले होते हैं इससे, उसे ट्रंक कहा जाता है। द स्टेम इज़ कवर्ड विथ अ थिक बार्क। और जो स्टेम होती है, ये जो तना होता है, वो कवर्ड होता है मीन्स ढका होता है, किससे, बाग से, मीन्स छाल से। पेड़ देख रहे हैं हम कि हर पेड़ या पौधों में एक छाल लगी होती है, ठीक है, डायरेक्टली उसका स्टेम हमें नज़र नहीं होता, तो हर पौधों की जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो उसके मोटी छाल से ढका होता है। बिग एंड टॉल ट्रीज लाइक बनियान एंड पीपल हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि बिग एंड टॉल, जो बहुत बड़े और बहुत लंबे जो वृक्ष होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जैसे कि बनियन मीन्स बरगद एंड पीपल, ये दो पौधों को जानते हैं जो बहुत सालों तक के भी रहते हैं और बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो इनका तना कितना बहुत मोटा होता है, ठीक है,
और ये बहुत बड़ी हाइट में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा छायादार होते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो वेरी थिक होता है। ठीक है, बहुत ही चौड़ा होता है और बहुत मोटा होता है। ठीक है, और बहुत हार्ड भी होता है। मनी प्लांट एंड रोज़ प्लांट है सॉफ्ट स्टेम। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जो मनी प्लांट होता है या रोज़ आपका गुलाब का जो पौधा होता है, उसकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल है, जो मनी प्लांट है या फिर फ्लावर वाले प्लांट है, उनकी स्टेम सॉफ्ट होगी, लेकिन पीपल और बरगद, इनको देखें हम, पीपल एंड बनियन, तो इनकी जो स्टेम होगी बहुत मोटी होगी और हार्ड होगी। स्टेम आल्सो ग्रो अंडरग्राउंड। पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन आर एक्चुअली स्टेम विच ग्रो अंडरग्राउंड। अब इसमें और एक टाइप देख रहे हैं कि स्टेम में जो तना होता है वो कहाँ बढ़ता है, अंडरग्राउंड में ही बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं, पोटैटो मीन्स आलू, अदरक और प्याज, ऑनियन। ठीक है, तो पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन, ये एक्चुअल में क्या है, ये तने वाले हिस्से। ठीक है, ये एक प्लांट के तने हैं जिन्हें हम अपने सब्जियों में यूज़ करते हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए। स्टेम विच ग्रो अंडरग्राउंड, तो ये ऐसा तना वाला हिस्सा है जो कि ज़मीन के अंदर बढ़ता है। हमने देखी कि जड़ें ही बढ़ती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने भी ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक खाते हैं हम, इसे भोजन में शामिल करते हैं, बताइए, तने वाला हिस्सा है, स्टेम सिस्टम का हिस्सा है। यूज़ ऑफ स्टेम, अब स्टेम का क्या यूज़ है। द स्टेम सपोर्ट द प्लांट, तो सबसे पहले जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो प्लांट को सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जो पेड़ है वो तनों पर ही टिका होता है। इट कंटेन थिन ट्यूब फॉर कैरिंग फूड, मिनरल एंड वाटर। अब इसके भीतर में क्या होता है, ये जो आपका स्टेम होता है वो कैसे बना होता है, इनके भीतर में ट्यूब्स लगी होती है। ठीक है, जो ट्यूब्स हैं मीन्स बारीक बारीक नलियाँ होती हैं, जिसकी हेल्प से ही क्या होता है कि जो जड़ों से होते हुए जो पानी है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ठीक है, और सारे पोषक तत्व हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, पेड़ के ऊपर पत्तियों तक के जाते हैं। तो कैरिंग फूड, मिनरल्स एंड वाटर, तो जो वाटर को, फूड को और मिनरल्स को कैरी करता है। स्टेम कैरी वाटर एंड न्यूट्रिशन टेकन अप बाय द रूट टू द लीव्स एंड देन द फूड इज मेड बाय द प्लांट। तो क्या होता है, स्टेम जो होता है, तना होता है, तो ये वाटर एंड न्यूट्रिशन को रूट्स से हासिल करता है, जड़ों से वाटर एंड न्यूट्रिशन को ऊपर लेता है और फिर तनों की सहायता से अलग अलग पत्तियों तक के और ऊपर प्लांट में पहुंचाया जाता है, जिसके बाद में क्या करता है, जो प्लांट्स होता है या जो ट्री होता है वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है। समटाइम द फूड मेड बाय द लीव्स इज स्टोर इन स्टेम, फॉर एग्जाम्पल सुगर केन एट्सेट्रा। अब कुछ टाइम क्या होता है कि जो पत्तियां भोजन बनाती है और वो तनों में स्टोर करती है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सुगर केन, मीन्स आपका जो गन्ना है वो एक स्टेम है, तने वाला हिस्सा जिसे हम खाते हैं। तो पत्तियां भोजन बनाती है और अपने भोजन को कहाँ स्टोर करती है, तनों में, तो तने वाला जो हिस्सा है वो सुगर केन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और बाकी सारे अलग अलग पौधों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पत्तियां भोजन बनाती है और पौधे उसका बढ़ने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ का हम तने वाला हिस्सा खाते हैं, कुछ प्लांट के हम जड़ वाला हिस्सा खाते हैं और कुछ की पत्तियां भी खाते हैं, तो अलग अलग टाइप से होती है। ओके, तो ये आज हमने पहला पार्ट कवर किया है लेसन नंबर 7 का, इसका आगे का भाग हम अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।